खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ गुजरात में हो रहे बिहारियों पर इस तरह के अत्याचार पर, जो इस तरह से यूपी बिहार के लोगों को गुजरात से निकाला जा रहा है, उन्हें जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उस पर ये दोनों स्टार काफी खफा है और खफा होना भी चाहिए, क्योंकि गलती अगर किसी एक की है तो आप इसके लिए पूरे यूपी बिहार को दोषी नहीं ठहरा सकते। वैसे ये पूरा मामला तब सामने आया जब एक 14 महीने की बच्ची जिसके साथ बेरहमी से रेप कर दिया गया, वो भी जिसने रेप किया नाम था रविंद्र और वो बिलोंग करता था बिहार से, फिर बस क्या था, इसके बाद तो मानो गुजरात में सैलाब ही आ गया। गुजराती और गैर गुजराती के बीच ये लड़ाई ऐसी छिड़ी कि नौबत यहाँ तक आ गई कि गुजरात से अब यूपी बिहार के लोगों को, यानी कि जो यूपी बिहार के मजदूर लोग हैं, उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। और इसमें आग में घी का काम किया है अल्पेश ठाकुर के बयानों ने। अल्पेश ठाकुर के बयानों को लेकर निरहुआ का कहना है कि अल्पेश ठाकुर पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार, और साथ ही खेसारी लाल यादव का कहना है कि अगर गलती किसी एक व्यक्ति ने की है, उसकी सजा पूरे कम्युनिटी को यानी पूरे यूपी बिहार के मजदूरों को नहीं दी जा सकती, गलती किसी एक की है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। खैर, इन दोनों स्टार्स की बातों में दम तो है, लेकिन इस बात में भी पूरी सच्चाई है कि केंद्र में बैठी सरकार और गुजरात राज्य में बैठी रूपानी सरकार इसे लेकर कोई कड़ी कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। अब ये देखना गौरतलब होगा कि क्या आने वाले समय में सरकार इसके लिए कोई कड़े कदम उठाती है या फिर मौन व्रत ही धारण की रहती है।